व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर कपिल शर्मा अनसेंसर्ड पार्ट। आज हम देखने वाले भूल भुलैया 2 की। जब स्टार कास्ट गई थी कपिल शर्मा शो में, तो वहां पर क्या जुगलबंदी हुई है, क्या मस्ती मजाक हुआ। अनसेंसर्ड में मजा आता है ना, बहुत सारी बातें जो ऑन शो नहीं दिखती। यस, तो कार्तिक आर्यन और राजपाल यादव, कियारा आडवाणी, तब्बू भी गई होंगी शायद से, और कपिल शर्मा तो है वहां। तो लेट्स एंजॉय दिस एपिसोड। और मुझे भी था इनविटेशन, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे फटाफट से, लाइक करता है। 1 2 3 गो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप अपने अपने काम छोड़ के हमारा शो देखने आए, हम भी किसी दिन अपना शो छोड़ के आपका काम देखने आएंगे। ये क्या था? भाई का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था यहाँ पे जी। आपने दिमाग में सोचा था कि मैं जाके फटाफट इधर बैठूंगा क्यारा के साथ? नहीं, मैं तो कभी कुछ सोचा ही नहीं, मैं तो सिचुएशन के साथ जी लेता हूँ। वैसे ही वेस्ट बन जाता है। इनके डायलॉग बड़े मस्त हैं। अरे इनकी बेटी भी बहुत क्यूट है। बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। बड़े लोग ऐसा करते हैं, आपको पता है? मेरा एक दोस्त नहीं है चंदू, अपने शो में ही है, उसका थोड़ा पता नहीं क्या गड़बड़ चल रहा था, किसने उसको बोला कि जाके गाय को पेड़ा खिलाओ, वो चला गया, उसको गाय ना मिले बॉम्बे में। पहले तो पता नहीं कहाँ कहाँ जो एक गाय मिली, उसके पीछे घुसा, वो गली में घुस गई, ये भी गाड़ी बाहर जा नहीं सकती थी, अंदर घुसा, वो सांड निकला। दूसरे दिन फिर गया, ये फिर गया तो उसने गाय को कहीं पेड़ा खिलाने लगा, तो गाय पता नहीं पहले से ब्रेकफास्ट करके बैठी थी, उसने उसके आगे गया, गाय गाती आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है? अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो वो भी किया। बिल्ली रास्ता काट जाती तो लोग बोलते थूक दो, तो हर चीज में विश्वास हो जाता है उस टाइम जब एग्जाम्स होते हैं माइंड में हो जाती है। अगर कुछ आपके ऐसे काम होता है ना, एंजाइटी नर्वसनेस कर देती है। क्या करते हैं पीने के बाद ना, फिल्म में मंजुलिका के दरवाजा खोल देते हैं, गेट खोल देते हैं उसके कमरे का। कभी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसा होश खो बैठने के बाद कोई ऐसा काम किया कभी? होश खो बैठने के बाद शराब पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई काम तो नहीं किया। मैं बहुत इनोसेंट सा आदमी हूँ। इसी खुशी में बादाम खाओ, थोड़ा याददाश्त बढ़ाता हूँ। याददाश्त यार, इजी रियली दैट सीधा, और तुमने काम किया पूरे फिल्म में सीधा हिम आहा। यारा ने कभी आज तक इतना नहीं कर कि उसने बोला ये वाओ, ये सवाल का सवाल जवाब ध्यान से देखो। साथ में राजपाल सर सीधा हूं ना मैं? हाँ नहीं, आप सीधे भी हो सादे भी हो। कार्तिक, एक बात हमने सुनी कि अनीस भाई ने आपको इतना जोश दिलाया शूटिंग के दौरान किसी सीन में कि आपकी आवाज ही चली गई, क्या जोश दिलाया आपको? कार्तिक ने किया है वो, मुझे लगता है लोगों को देख कर एक शॉक भी लगेगा और बहुत अच्छा, ऐसा मुझे नहीं लगता कार्तिक ने कभी किया। इट इज फैंटास्टिक। क्लाइमेक्स को हंसा सकते, तारीफ होती है, रिव्यूज देखे ना मैंने उसमें बताया। पर अनीस भाई की सेंस खाली मतलब यही नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन, ये खुद लिखते भी हैं और बड़ी कमाल कमाल की फिल्में लिखी हैं। अनीस भाई कॉमेडी फिल्में तो आप कमाल की बनाते हो, इस बार आपने हॉरर कॉमेडी बनाई है, तो अर्चना जी को क्यों नहीं लिया? वेट ही कर रहा था मैं, कुछ नेचुरली आ जाता है। तू अपना स्ट्रगल कर, मैं खुद स्ट्रगल नहीं नहीं, लेकिन मैं बताऊं अर्चना जी से डर तो लगता है अभी इस शो के अंदर। जी सिद्धू साहब की कुर्सी छीन के बैठे हैं, पता लगता है कि मैं शूटिंग पे बुलाता और वहाँ पर ये मेरी डायरेक्शन की कुर्सी ही छीन लेती तो झगड़ा हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मतलब सिद्धू पाजी के साथ क्या हुआ, आप अपनी कुर्सी छीनी उनकी? मार्केट में खबरें फैल रही हैं ऐसी, हमको क्या पता। पूरा पढ़ा लिखा कर अनीस को ऐसा बुलवाने के लिए बोला? मैंने नहीं बोला, बिल्कुल बदनाम किया हुआ इसने। स्पेशली जब आप हॉरर फिल्म शूट करते हो तो सबके मन में खुराफाते आती रहती है ना नीज भाई, कि किसी को डरा दें। बिल्कुल, ये भी बहुत शरारती है। कौन डराता था ऐसे सब? नहीं, हम लोगों ने किया था एक बार, जिस हवेली में शूटिंग करते थे वैसे बहुत सुनसान हवेली थी। वैसी वो हवेली ऐसी है ना कि मतलब आप अकेले जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो वहाँ शॉट ले रहे थे तो दूर कैमरा लगा हुआ था, पूरा ऐसा कमरा था
और सॉरी इधर कियारा एंड कार्तिक जो है ऐसे ढूंढते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं, और हमने ऑलरेडी किसी को वहाँ पे सुलाया हुआ था, सारे जो सोफे थे उन पे कपड़े पड़े थे, तो सोफे के अंदर किसी को सुलाया हुआ था। अच्छा। और जैसे ही ये लोग उस सोफे के पास पहुँचे हैं और वो खाली उठाए तो तो ये सब अनीस भाई सोच सकते हैं। कभी कभी तो आप घर में अकेले हो ना, तब भी आदमी बाथरूम करने जाए तो गाना गाने लगता है ला ला ला। ये हो जाता है कि माइंड में भी क्रिएट हो जाता है। आपको वैसे जैसे नॉर्मली लड़कियां कॉकरोच देख के बड़ा डर जाती हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख के एकदम से डर जाती हैं? कोई है ऐसी चीज? हाँ, बर्ड्स। मुझे बर्ड फोबिया है। अरे पूरी पिक्चर में हमको पता नहीं लगा, वरना इस चीज का हम बहुत फायदा उठा सकते थे। जिस माहौल में हम शूट कर रहे थे, I could not take a chance of telling you all। अजीब है ये, पता नहीं, बट है ये। बर्ड फोबिया। तुझे लगता है मुझे किसी चीज से डर लगता है? ना। मुझे एक बात बताऊं, मैं बिना लाइट के नहीं सो सकती रात को। परमीत जी कैसे सोते? I switch his light off। उनकी दिमाग पे अच्छी गायब कर देते हैं क्या? किसका बैग है वैसे? कोई अपने फोन पे बात कर रहा था, वो करते करते वो चला गया था। अच्छा। चला नहीं गया था वो, उस हमारे साथ ही गई थी। नहीं, बोला कि बैग ध्यान। कोई ऐसे स्ट्रेंजर आदमी के पास अपना बैग छोड़ के जाता है? वो दूसरी टेबल, दूसरी टेबल पे दूसरी चेयर है, लेकिन वो मेरे जो फ्रेम में दिखाई नहीं दे रही दूसरी चेयर। तो दिमाग में आया कि उसका बैग लेकर उड़ू यहाँ से, या वो अच्छा लगा मुझे, ऐसा खुराफाती सा दिमाग चल रहा था तो लगा कि अच्छा कैप्शन है, ये डाल देता हूँ। तो फोटो खींच ली, फिर लोगों से पूछता हूँ कि कौन कौन खुराफाती है। बाहर ही बैठ के ऑर्डर कर रहे हो, लगता है अंदर एसी का मेन्यू महंगा है। ये भी ठीक है। क्यारा, इस इमोजी का नाम क्या है ये जो डाला आपने ऐसे करके? ऐसे करके घोस्ट। बेबी डॉल सोने की देखी थी, आज चांदी की भी देख ली। ये ठीक है। अच्छा, आपकी फिल्म हाउसफुल होने वाली, देखो क्योंकि आपके आने से हमारा शो ही हाउसफुल है। सीढ़ियों में मैंने पहली बार बंदे देखे हैं। अरे अरे, यहाँ पर क्या बात है, फैन फॉलोइंग है ना यूट्यूब में बहुत। हाँ, ये कुछ कोरियन खाना खा रही थी। कोरियन खाना? हाँ, मेरा एक्चुअली मन नहीं था वो खाने का, ये पूरी टीम हम लोग खा रहे थे। ये लड़कियों को बताता कौन है कि कोरियन खाना भी होता है? समझा भी नहीं था, मतलब अगर देश है तो उनका खाना भी होता होगा। तो कहाँ से आते हैं ये खुराफाती आइडियाज? और वो बहुत खुश हो जाते, अरे 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 ये वाला तो कोरियन, समझता नहीं है कि मैंने सुना भी नहीं। हाँ, कई बार जानबूझ के भी कर देती हैं, यू नो आई लव कोरियन फूड, थोड़ा खा के अंदर जाके बाद फेंकने जाती है। भाई साहब क्या खा लिया है, और दिखाइए। वाह, Aunt smile, grow, love. आगे चले? हाँ जी, आगे चले। मैं तो चलना चाहता हूँ, वही नहीं मान रही। दिखाइए कमेंट। वाह क्यारा, तुम्हारी ड्रेस तो मोतियों जैसी चमक रही है, क्यों ना हो मास्टर जी, शूट के बाद मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। ऊटी डायरीज, ऊटी दिखाइए जरा कमेंट्स। जब रिजर्वेशन चार्ट में आपके साथ वाली सीट पे किसी लड़की का नाम लिखा आ जाए तो बंदा ऐसे ही खुश रहता है। ट्रेन इन्होंने 11 पीएम की बुक की थी, ये 11 एम पे आ गए। आपने जेब में हाथ क्यों डाले हुए हैं? ठंड ज्यादा है या पजामा ढीला है? कुछ लिया है ये बता देना, दिक्कत क्या? और दिखाइए कैप्शन। भाई इतना आलस, कैप्शन भी दूसरों को सोचने में लगा दिया। कैसे बोले इतना? एनिमल लवर्स दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। राजपाल बी लाइक, ला भाई मेरे चने वापस दे। यार, यार, यार। लगता है आप घोड़े को पाउट बनाना सिखा रहे हो। मेरे भाई की अगले महीने शादी है, इस घोड़े की बारात में जाने का क्या रेट है? अपनी शादी ब्याह के लिए बुकिंग कर रहे हैं लोग तो ठीक है भैया, लोगों को कहाँ कलाकार दिखा सके। इसलिए घोड़े वाली तस्वीर दिखा के बहुत अच्छा किया। एक्चुअली मैं अंदर से यही हूँ, क्योंकि कहीं भी अर्चना जी जाता हूँ अगर घोड़ा दिख जाए। अच्छा। क्योंकि इससे बहुत इंस्पिरेशन मिला बचपन से, कि बोलते हैं कि इतनी पावर्स देखी लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई पावर है तो हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। घोड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सारी उम्र खड़ा रहता है, पता है? बैठता नहीं, काम पे हो चाहे ना हो। हालांकि कुछ लोग बैठे बैठे कमा रहे हैं,
दोबारा से मौका इसलिए यहाँ पर दौड़ने की जरूरत नहीं, मैं बैठे बैठे कमा रही हूँ। वैसे एक चीज कपिल बाबू बताऊं जी, मुझे ये 30 जून को 25 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अब किसके ऑपोजिट काम किया या किसके ऑपोजिट काम नहीं किया, लेकिन कोई ऐसा हीरो नहीं और कोई ऐसी हीरोइन नहीं जिसका हमें भरपूर प्यार नहीं मिला। हमेशा हमें सबका चाहिए। आपसे और पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप NSD से हैं, मैंने एक बात सुनी थी विजय राज, उन्होंने बताया कि हम लोग ना जब जंगल का शूट कर रहे थे तो हमें NSD में सिखाया जाता है कि जब आप कोई किरदार कर रहे हैं अगर आपको लगे तो किसी जानवर को एनिमल रखे, एनिमल को किसी को आप अंदर अडॉप्ट कर लो। विजयराज बोलते हैं कि मैंने देखा राजपाल ना पूरी फिल्म में छाया हुआ उछल उछल के monkey, कर monkey, रहे। monkey. तो मैंने सोचा कि इन्होंने मंकी अडॉप्ट कर लिया है। तो कहते मैंने सोचा इन्होंने मंकी अडॉप्ट कर लिया है, कहते मैंने कहा मैं कोबरा अडॉप्ट करूंगा। तो कहते मैं गया रामगोपाल वर्मा के पास, मैंने बोला कि मैं ऐसा कोबरा कुछ अडॉप्ट करूंगा। तो रामगोपाल वर्मा सुनील शेट्टी को बोले वो कि ही हैज वेरी सम नाइस आइडिया, ही इज गोइंग टू परफॉर्म सम कोबरा। ओके कोई बात नहीं, कोबरा कर लो। ये जैसे उन्होंने शुरू किया, उन्होंने शुरू में मुक्के दो मार दिए, कोबरा को उन्होंने परफॉर्म करने का मौका मिला। पर ये बात सही है कि राजपाल भाई आपने उस करेक्टर के लिए जंगल दो मुक्के मारे, मंकी अडॉप्ट किया आपने, मन में सोच लिया कि मैंने ऐसे करना है। नहीं, इंस्टीट्यूट में ये बहुत कि एनिमल इंस्टिंक्ट और आपका बॉडी सेंटर। अच्छा, अगर आप चाहो तो 108 कैरेक्टर अपनी बॉडी से प्ले कर सकते हैं। उसका सिर्फ है कि आप कोई भी दुनिया का जानवर है वो किसी न किसी ह्यूमन बीइंग से उसका सेंटर मिलता है। अच्छा, तो मैंने उसकी हरकतें या उसका जो स्वभाव था मंकी का, लेकिन अंदर से हिम्मत कंप्लीट वुल्फ की थी। अच्छा, तो वुल्फ और मंकी को हमने जंगल में अडॉप्ट किया था कि जब अगर वो अपने उस पे आ जाए तो कंप्लीट फिर वो वुल्फ की तरह लगे, चाहे काटना हो तो उसकी तरह काट दे, अदरवाइज मंकी की तरह वो स्वभाव रखे। पर राजपाल भाई जब भी आते हैं इतनी इतनी रौनक लगाते हैं, इतनी ये माहौल हमेशा बना के रखते हैं। पता नहीं क्या आया, एक कास्टिंग डायरेक्टर्स के पीछे पड़ गए, वो ऐसा माहौल इनका बना, हमने एक घंटा इनकी बातें सुनी, मजा आ गया था। अब जब भी मिलते भाई मजा तो आ जाता है आपसे मिलकर। लेकिन कास्टिंग ये हमने सोच के नहीं बोला था। आई नो आपने सोच के नहीं बोला था, लेकिन अब मैं सबकी बहुत बड़ाई करना चाहता हूँ। ये मन चाहता है जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। मैं सबको बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ओ भाई साहब मौज कर रही, ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, ये वाली बात है। इनका मतलब जब भी आप इंटरव्यू देखोगे ना, एक हम्बलनेस दिखती है, जॉली नेचर नो डाउट हमेशा रहा है इनका, लेकिन एक हम्बलनेस की वाली बात है ना कि स्ट्रगल कर रहा है बहुत कुछ, और इनकी एक्टिंग की कोई बराबरी नहीं। कॉमेडी में जो इनका वो है ना, वो पकड़ वो बहुत ही लाजवाब है। प्लस कार्तिक आर्यन और इनकी जुगलबंदी भी काफी अच्छी बता रहे मूवी के अंदर, और कार्तिक दोनों ही उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मतलब बहुत ही सही रोल था, बहुत ही सही रोल था। क्या मैं आपको बदला बदला लगता हूँ पानी पानी वाला भी, और प्लस इसमें वो सीन बताना, वो हॉरर वाला वो कि सोफे पे वो लिटा दिए थे ऐसे, नो डाउट कोई भी होगा सिचुएशन में भाई तोते उड़ेंगे। प्लस हमारा माइंड है ना, बहुत सारी चीजें खुराफाते खुद ही माइंड में प्लान करते हैं। वो सही बताएगा बिल्ली, जैसे हम कई बार जाते हैं वॉशरूम वगैरह अकेले हो तो गाना मतलब मैं या तो फोन लेके जाती हूँ, कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ। फोन इसका सेवियर है ना, फोन के चार हाथ चार पैर है, उसी टाइम पे लड़ने नहीं, ये फोन हो तो लगता है कि हाँ कोई साथ में है, वरना ऐसा लगता है वैसे कोई साथ में तो नहीं है। भाई साहब 5 किलोमीटर मैंने इसका वॉशरूम, तो ऐसे बात करती है। लेकिन एक चीज तो हॉरर कॉमेडी मूवीज का अलग ही मजा है। देखो हॉरर मूवीज देख के ना मुझे लगता है कि हॉरर इतनी देख लिया है, अब वो हॉरर में ना भूत कम ऐसा मजाक लगता है, लेकिन हॉरर कॉमेडी रहती है तो मस्ती वाला माहौल सा रहता है, तो वो अलग ही वाइब होती है। बाकी किस किसने भूल भुलैया 2 देखी है जरूर बताना, अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो आप। और ये जो मस्त लगता है मेरे को जब वो बाकी कई लोग कुर्सी पे बैठे बैठे कमा रहे हैं, अच्छे ना के ऊपर जितनी जल्दी कपिल आते हैं ना, आपकी लड़ाई हो कुछ सिद्धू जी से नहीं इस तरीके से। आई एम श्योर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको, अनसेंसर्ड पार्ट में अलग ही मजा होता है। बाकी और वीडियो सर्च करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।